पार्टी मैदान में इस किसान जनजागरण को लेकर हम लोग किसान के द्वार द्वार तक जा रहे हैं। पूरा आगरा जिला में एक ब्लॉक में 1800-2000 कार्यकर्ताओं को लेके और किसान तक हम जा रहे हैं। हर द्वार द्वार पे ये किसान को बता रहे कि आपकी जो भी समस्या है आप इस फॉर्म के माध्यम से बात कहें, किसान क्या कह रहा है, क्या मांग रहा है, बात क्या। इस योजना के तहत हम आज जो नुक्कड़ सभा हुई है, हमारे विधानमंडल के नेता प्रदीप माथुर जी हम लोगों के यहाँ आया, दिशा निर्देश दिया पार्टी को मजबूत करने के लिए, किसानों के सभा की है और ये संदेश आज यहाँ से जा रहे हैं। सबसे बड़ी आज ये और आपको यहाँ नुक्कड़ सभा में मिली कि कहते हैं कि जिस घर में औरत का सम्मान नहीं होता वहाँ देवता निवास नहीं करते, लेकिन जिस सरकार में औरत का सम्मान नहीं होगा औरत के बलात्कार होंगे, ऐसी सरकार भी रहने का कोई औचित्य नहीं न रहेगी। तो आज ऐसी महिला की पीड़ा यहाँ मिली है कि जो चौपालों में महिलाएं भी अब अपनी बात को रखने लगी, पीड़ा को रखने लगी है। तो अब मोदी जी के अंतिम दिन आ गए हैं और पाप का घड़ा भी फूट गया है, किसानों ने इसका ऐलान कर दिया है। जो हम कांग्रेस पार्टी चौपाल पर जा रही है और क्योंकि आज किसान भरा हुआ बैठा है, कांग्रेस पार्टी के साथ स्वतः ही जुड़ने के लिए यहाँ एकत्र हो, यहाँ किसान जनसभा के साथ माननीय हमारे विधायक प्रदीप माथुर जी के साथ बैठे हैं, किसान की बात सुनिए, किसान क्या मांग रहा है ये उनके जुड़ने की। बहुत अच्छा, और किसान तो पहले से ही मन बना के बैठा था, लेकिन कुछ जुमलेबाजी से उसको बरगला दिया था, ध्यान भटका दिया था, लेकिन उस बरगलाने का बदला किसान अभी से कांग्रेस पार्टी के साथ इतने हर्षोल्लास से जुड़ रहा है और ये कह रहा है कि हम हर जुल्म और टक्कर सहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है उसका साथ मांग रहा है, जो कि वो समस्या है आवारा पशुओं की, किसानों की। तो आवारा पशु ही योगी और मोदी जो गांव में खेतों में ढिले हुए हैं उनको बंद काम करने का कांग्रेस पार्टी काम कर रही है कि चाहे अगर ये सरकार नहीं संभली तो अभी तो हम विद्यालयों में बंद कर रहे हैं, लेकिन आगामी ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है, उसके बाद हम कलेक्टर और SDM के ऑफिसों में जाकर ये गांव को बंद करेंगे और ये हमारा मिशन है। कुछ नहीं बनवाया है, हमें पैसे दो, शौचालय के लिए फार्म भरवा दिए, पैसे भी दे दिए कि पैसे दो, ना कोई आवास है, कुछ आवास आए ना, कोई शौचालय हमारी अधूरी बनी पड़ी हुई है, ना कोई शौचालय के लिए हमारे पैसे आए थे। आज सबसे इतना ही है कि मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आपको धन्यवाद करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आपके श्री लक्ष्मी फिर कांग्रेस का झंडा उठा करके आगे चलेंगी और आगे मतलब कांग्रेस का नेतृत्व करेंगी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप हमारी मनोती जी जी का हाथ से हाथ मिला करके और आगे बढ़ाओगी। इसी क्रम में मैं उपाध्याय जी से निवेदन करूंगा, हमारे उमाशंकर उपाध्याय जी, योजना चालू की हो वही योजनाएं जो कांग्रेस ने लागू की थी या कांग्रेस के जमाने में चालू हुई थी। साथ ही मैं विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा, मैं तो केवल आपसे बात करने आया हूं, हमारे नेता लोग भी आपसे बात करेंगे। मैं अधिकतम कुछ बोलकर इसी श्रृंखला में आगे बढ़ाते हुए मैं आगे की परिचालन के लिए मुझे बोलने के लिए कहा धन्यवाद, मैं आया हूँ और मैं सभी से निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आप भी हमारे सहयोग करिए और अपनी समस्याएं बताएं, हमारे कार्यकर्ता को नोट कराएं, इस समस्या को लेकर हम तहसील और ब्लॉक और उत्तर प्रदेश लेवल पर जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय कांग्रेस, जय हिंद, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा कहा, कांग्रेस ने 70 साल में जो किया वो हमारे प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री ने उसे देश नेता का पद है। क्या क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताइएगा, केवल बेचने का काम कर रहे हैं। जो कांग्रेस ने किया उसको केवल बेचने ताने लगाने का काम कर रहे हैं। कभी तो वो क्या बेचते हैं मालूम है, जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।